नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म की 14वें दिन की कथा, अध्याय 14। वाल्मीकि मुनि का राजा दृढ़धनवा को पूर्व जन्म का वर्णन सुनाना। श्री नारायण बोले, एक दिन चिंताग्रस्त राजा दृढ़धनवा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। राजा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आता देखकर शीघ्रता से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर ऋषि का सत्कार कर श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोदी में ले दोनों हाथों से धोया और उसके बाद चरणोदक को सिर पर धारण करते ही राजा को तोते का वचन याद आया। तो राजा बड़ी मीठी वाणी से बोला, हे भगवान, अब मैं कृतकृत्य हुआ। मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। आज मेरा जन्म और मनोरथ सफल हुए। आपके दर्शन से मेरा वेदाध्ययन आदि सफल हो गया। हे संसार को पावन करने वाले, मैं अपने सौभाग्य का क्या वर्णन करूं? श्री नारायण बोले, मुनिराज से ऐसे वचन कहकर राजा शांत हो गए। तब वाल्मीकि मुनि राजा को विनय युक्त देखकर मन में बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तुम इतनी चिंता से व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे मन में क्या है सो बताओ। हे महामते, जो कुछ इच्छा है सो कहो। दृढ़धनवा बोले, आपके चरणों की कृपा से मुझे सदा सुख है, परंतु हे ज्ञानधन, मेरे मन में एक बड़ा भारी भ्रम है। जो वन में तोते ने कहा था, उस शूल को दूर कर दीजिए। एक समय मैं शिकार खेलने के लिए घोर वन में चला गया। वहां घूमते हुए मुझे एक तालाब नजर आया। उसका ठंडा जल पीने के बाद थकान दूर करने को एक बड़े वट वृक्ष के नीचे उसकी शीतल छाया में बैठ गया। उसकी छाया मन और नेत्रों को अत्यंत सुखदायी थी। उसी वृक्ष पर मैंने एक मनोहर तोता देखा। जब तक मैं वहां रहा, तब तक वह तोता मेरे आगे एक ही श्लोक पढ़ता रहा कि राजा, तू पृथ्वी पर अत्यंत सुख को देख तत्व की चिंता नहीं करता, तेरा कैसे उद्धार होगा। उसकी इस वाणी को सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, तोते ने जो कहा वह मैं नहीं समझ पाया। यही मेरे हृदय का संदेह है, इसे आप ही मिटाने में समर्थ हैं। मेरे राज्य में सभी प्रकार के सुख हैं। चार प्रतिभाशाली पुत्र हैं, मनोहर पतिव्रता स्त्री है, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल चतुरांगिणी सेना है। हे ब्राह्मण, सभी ओर अपार समृद्धि है। यह मेरे कौन से पुण्य का फल है? यह सब संक्षेप में विचार करके कहो। वाल्मीकि मुनि राजा का प्रश्न सुनकर प्राणायाम करके दो घड़ी तक ध्यान अवस्थित होकर भूत, भविष्य और वर्तमान देवता हाथ में लिए दर्पण की भांति विश्व की होने वाली सब घटनाओं को देखकर हृदय में निश्चित करके राजा से बोले, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनो। हे राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। ताम्रपर्णी नदी के किनारे रहते थे। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी, संतोषी, वेदाध्ययन करने वाले हरि भक्त थे। अग्निहोत्र आदि यज्ञों द्वारा आपने हरि को प्रसन्न किया था। आपकी अर्धांगिनी सुंदर उत्तम गुण वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम की सर्वश्रेष्ठ स्त्री थी। जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती है, वैसे ही वह गौतमी अपने पति की प्रेम से सेवा करती थी। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे राजन, अब आप आपके पूर्व जन्म की कथा को आगे सुनो। गृहस्थ धर्म निभाते हुए दोनों को बहुत समय बीत गया, किंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन सुदेव आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ दुखित वाणी से बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से अधिक बढ़कर कोई सुख नहीं है। तप और दान से उत्पन्न पुण्य परलोक में सुख देता है, परंतु शुद्ध कुल में उत्पन्न हुई संतान इस लोक और परलोक दोनों में सुख देती है। ऐसी श्रेष्ठ संतान मुझे प्राप्त न होने से मेरा जीवन निष्फल है, क्योंकि पुत्र का न तो लालन पालन किया,
न वेदार्थ पढ़ाया, न विवाह संस्कार आदि किए, अतः मेरा जन्म व्यर्थ ही गया। ऐसे जीवन से तो मेरी मृत्यु हो जाए तो वही अच्छा है। अपने पति के ऐसे वचन सुनकर वह सुंदरी मन में बहुत दुखी हुई। प्रिय भाषिणी चतुर धीरज धरकर पति को धैर्य बंधाते हुए समझाने लगी, हे प्राणेश्वर, अभी ऐसी तुच्छ बातें मत कहिए। आप जैसे वैष्णव भगवताचारी मोह रूपी जाल में नहीं पड़ते। हे द्विज, आप सत्य कर्म में लीन हो और आप जानते हो कि सत्यव्रति ही स्वर्ग को जाता है, तो फिर बाकी सुखों की चिंता क्यों? हे सुव्रत, आप जैसे ज्ञानी पुरुष पुत्र सुख की इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले राजा चित्रकेतु जब पुत्र शोक में दुखित हुआ, तब नारद और अंगिरा मुनि ने आकर उन्हें पुत्र शोक से मुक्त किया था। जिस प्रकार अंग राजा अपने दुष्ट पुत्र बेन के कारण रात्रि में वन को चला गया, वैसे ही हे स्वामी, कभी कभी संतान भी दुखदायी हो सकती है। यदि आपको सुपुत्र की इच्छा हो तो सब इच्छाओं को पूरी करने वाले हरि जगन्नाथ की आराधना करो। हे ब्राह्मण, जिनकी आराधना करके महर्षि कर्दम ने सांख्य दर्शन की रचना करने वाले आचार्य योगियों में श्रेष्ठ कपिल मुनि को प्राप्त किया। इस प्रकार पत्नी के वचन सुनकर वह ब्राह्मण मन में निश्चय कर पत्नी सहित ताम्रपर्णी नदी के किनारे गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महान तप करने लगा। पांच पांच दिन में सूखे पत्तों का आहार कर जल पीता था। ऐसा तप करते हुए उस तपोनिधि को 4000 वर्ष बीत गए। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के तुल्य वर्ण वाले विश्व रक्षक, जगत के पालन करता, चार भुजा वाले अति प्रसन्न मुरारी के दर्शन करके बड़े हर्ष से सुदेव ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म कथा 14वां अध्याय समाप्त।